सत श्री अकाल जी, मैं राहुल गुप्ता, मैंबर पंजाब स्टेट कोविड कंट्रोल रूम। अज तुहाडे नाल कोविड 19 संबंधी सूचना सांझी करन दा 58वां दिन है। विश्व के कोविड 19 के आंकड़े, संक्रमित होए 49,13,000, ठीक होए 19,20,000, मृतक 3,20,000। भारत के कोविड के आंकड़े, संक्रमित होए 1,02,231, ठीक होए 39,800, मृतक 3,170। पंजाब के कोविड के आंकड़े, कुल पॉजिटिव 2,002, जो कि कल की गिनती नालों 22 वध हैं, ठीक होए 1,642, कुल मौतां 38। पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वालों 20 मई यानी कल तो राज विच बस सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है। बसा सिद्धियां आरंभक अड्डे तो पहुँच अड्डे तक चलाई जाएंगियां अते राह दे विच किसी भी अड्डे उत्तों सवारियां नहीं चक्कियां जाएंगियां। बसा दे रूट से चलन तो पहला सवारियां दीयां टिकटां एडवांस बुकिंग एजेंट या कंडक्टर राही बस स्टैंड ते ही कटियां जाएंगियां। बसा विच बैठन दी समर्था अनुसार 50% सीटां तो वध सवारियां नहीं होणगियां। सवारियां नूं मास्क पहनना जरूरी होवेगा। बस शुरू करन तो पहला बस नूं सैनिटाइज करना जरूरी होवेगा अते बसा विच हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे। अंतरराज्जी बस सर्विस 31 मई तक बंद रहेगी। पंजाब सरकार ने कोविड 19 महामारी के चलद नागरिकों की मुश्किलों ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इस तरह वाटर टैक्स और सीवरेज चार्जिज की वसूली का समा सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के पढ़ाई के पाठक्रम को डी डी पंजाबी से चलाने का सरकार वालों फैसला किया गया है। इस साल IT और ITES सैक्टर 605 करोड़ रुपए का निवेश होया है, जो कि पिछले साल नालों लगभग 65% वध है। विदेश तो वापस पंजाब परतन वाले लेटेस्ट गाइडलाइनस इस प्रकार हैं। पंजाब पहुँचन से हैल्थ महकमे के ऑफिसर उन्होंने एक स्वय घोषणा पत्र देना पवेगा। हैल्थ प्रोटोकॉल अनुसार उन्होंने स्क्रीनिंग होगी और उन्होंने कोवा ऐप डाउनलोड करनी होगी। कोवा के लक्षणों वाले व्यक्तियों का जे टैसट पॉजिटिव आता है तो उन्होंने हैल्थ प्रोटोकॉल मुताबिक इलाज कराना होगा। जे टैसट नैगेटिव आता है तो उन्होंने 14 दिन सरकारी सुविधा या होटल में क्वारंटाइन ले लिजाया जाएगा। उस तो बाद टैसट जे नैगेटिव आया तो उन्होंने 14 दिन होर क्वारंटाइन में रहना पवेगा। जे किसी पिंड या वार्ड में 15 या वध कोविड पॉजिटिव केस पाए गए हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन मनिया जाएगा और उसके आस पास के 1 किलोमीटर एरिया बफर जोन मनिया जाएगा। अंत में सारे बेनती है कि घर तो बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनन 5-6 फुट की दूरी बना के रखन। शाम 7 बजे तो सवेरे 7 बजे तक करफ्यू की उलंघना ना की जाए। आपको बेनती है। आज इन्ना ही, धन्यवाद। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।